ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग शुभ मिश्रा के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। आयुष औषधि निर्माता विज्ञापन दाता विज्ञापन एजेंसी मल्ला भ्रामक विज्ञापन में रोक लगाए बस सर्वोच्च न्यायालय हा निर्देश जारी करे है। संपूर्णता अभियान के तहत कोंडागांव जिला के स्कूली लयिका मन हा नुक्कड़ नाटक और डांस के माध्यम ले साप्ताहिक बाजार मा लोगन मल्ला करीन जागरूक। और राज्यपाल हा प्रधानमंत्री केंद्रीय गृहमंत्री के संग सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ले करीन सौजन्य मुलाकात। अब समाचार विस्तार ले। आयुष औषधि निर्माता विज्ञापन दाता विज्ञापन एजेंसी मल्ला भ्रामक विज्ञापन में रोक लगाए बर सर्वोच्च न्यायालय हा निर्देश जारी करे है। एकर अनुसार विज्ञापन दाता विज्ञापन एजेंसी मल्ला उपभोक्ता ला घोषणा करके प्रमाणित करना होही कि विज्ञापन निर्धारित कोड के उल्लंघन नहीं है। एकर बर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रसारण सेवा पोर्टल और प्रेस काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के पोर्टल में स्वघोषणा अपलोड करे के सुविधा पाछू 4 जून ले शुरू कर देगी है। छत्तीसगढ़ के आयुष संचालनालय ने मिले जानकारी के अनुसार भ्रामक विज्ञापन में रोक लगाए और उपभोक्ता हित के रक्षा करे बर लगाई गई याचिका में सर्वोच्च न्यायालय डाले 7 मई के आदेश पारित करेगी, जेकर तहत विज्ञापन दाता विज्ञापन एजेंसी डाले अपन विज्ञापन के प्रसारण प्रकाशन ले पहली स्वघोषणा प्रस्तुत करके ये प्रमाणित करे जाही कि ओखर विज्ञापन केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम के तहत निर्धारित विज्ञापन कोड के उल्लंघन नहीं करते। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा आज कबीरधाम जिला के भोरमदेव मंदिर में सावन के मौका में पहुंचे हजारों कांवड़िया मन के हेलीकॉप्टर ले फूल बरसा के स्वागत करे। मुख्यमंत्री के संग उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा हा घलो सबो कांवड़िया मन के अभिनंदन करीन। जेकर बाद मुख्यमंत्री हा भोरमदेव मंदिर में भगवान शिव के विशेष पूजा पाठ करीन। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हा मंदिर परिसर में श्रद्धालु मन ले मिलके ओमल्ला अपन हाथ ले प्रसाद बांटेन। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डे कहा नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ले सौजन्य मुलाकात करीन। ए बेरा में राज्यपाल हा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ला पुष्पगुच्छ और सॉल भेंट करीन। ए दौरान प्रथम महिला रानी डेका काकोटी घलो मौजूद रहीन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा कहीन कि आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ राज्य में स्वास्थ्य सुविधा ला और अच्छा बनाए बर राज्य सरकार के संगे संग निजी क्षेत्र के भागीदारी घलो जरूरी है। छत्तीसगढ़ राज्य बने के बाद ले अब तक प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधा तेजी ले फैले है। राज्य सरकार के प्रयास है कि प्रदेश के नागरिक मल्ला विशेष रूप ले दूरस्थ अंचल के मरीज मल्ला घलो बढ़िया सुविधा मिल सके। मुख्यमंत्री श्री साय राजधानी रायपुर के एक निजी अस्पताल के शुभारंभ कार्यक्रम ला संबोधित करते ही मुख्यमंत्री हा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना ला बतात हुए कही इनकी एमा जरूरतमंद मरीज मन ला 5 लाख रूपया तक के निशुल्क इलाज के सुविधा मिला थे। उमना यहो बतायन कि प्रधानमंत्री राहत कोष के जरिया ले इलाज बर पैसा स्वीकृत होए मा 7 दिन के अंदर संबंधित अस्पताल ला पैसा उपलब्ध कराए के व्यवस्था करेगी है। शिक्षक मन के कमीले नाराज होके कांकेर जिला के प्रयास आवासीय विद्यालय के छात्र छात्रा मन आज राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रदर्शन करी। ओखर मन के प्रदर्शन ले सड़क के दोनों तरफ लंबा जाम लग गये रही, जेखर ले 1 घंटा तक रायपुर जगदलपुर मार्ग में गाड़ी मन के लंबा कतार लगे रही। स्कूल प्रबंधन और पुलिस प्रशासन छात्र मन ला समझाए की कोशिश करी, फिर ओ मन नहीं माने, जेखर बाद पुलिस हा बलपूर्वक छात्र छात्रा मन ला सड़क ले हटाये। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो। छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार। अब आगू बाढ़ बाचे समाचार कोती। संपूर्णता अभियान के तहत कोंडागांव जिला के मर्दापाल गांव के स्कूली लयिका मन हा नुक्कड़ नाटक और डांस के माध्यम ले साप्ताहिक बाजार मा लोगन मनला जागरूक करीन। ए बेरा मा मर्दापाल के सरपंच और सचिव घलो मौजूद रहीन। सरपंच हा लोगन मनला योजना ले अवगत कराई सौ लाभ लेके अपील करीन। संपूर्णता अभियान के शुरूआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी डहर ले 4 जुलाई ले करेगी। देश भर के 112 आकांक्षी जिला के संग प्रदेश के जिला मनला त्वरित और प्रभावी बदलाव लाए के लक्ष्य देगे है।
अभियान के जिला स्तरीय नोडल अधिकारी अखिलेश गायधने बतायन कि संपूर्णता अभियान पांच विषय वस्तु शिक्षा स्वास्थ्य और पोषण कृषि और जल संसाधन वित्तीय समावेशन और कौशल विकास ऊपर केंद्रित है। उन्होंने बतायन कि संपूर्णता अभियान 30 सितंबर तक पूरा देश में चलाए जाही। उप मुख्यमंत्री और नगरी प्रशासन मंत्री अरुण साव काली लोक पर्व हरेली वे के बेरा मा जन समस्या निवारण पखवाड़ा के तहत रायपुर के चंगोरा भाटा मा आयोजित शिविर मा शामिल हुई। ए दौरान ओमनहा कृषि औजार और गेड़ी के पूजा करके प्रदेशवासी और किसान मन के सुख समृद्धि के कामना करी। श्री साव हा डॉक्टर खूबचंद बघेल उद्यान मा एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत हरिशंकरी के पौधा लगाई। श्री साव हा जन समस्या निवारण शिविर मा दिव्यांग जन मनला व्हील चेयर वार्डवासी नवा बने राशन कार्ड भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र स्व सहायता समूह के महिला पीएम स्वनिधि और प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही मनला चेक दिन। उमन हा सफाई मित्र मनला घलो सम्मानित करीन। श्री साव हा शिविर मा रायपुर नगर निगम के चेक बोर्ड के शुभारंभ घलो करीन। एकर माध्यम ले अब लोगन मनला ऑनलाइन संपत्ति कर जमा करे नवा नल कनेक्शन बर आवेदन दे और जमीनी खरीदी बिक्री जैसन सुविधा मिली। ए बेरा मा उमन हा वार्ड मा आने आने विकास काम बर 1 करोड़ रूपया दे के घोषणा करीन। खाद्य मंत्री दयादास बघेल आज बेमेतरा जिला के नवागढ़ विकासखंड के शासकीय कोदूराम दलित महाविद्यालय के दीक्षारंभ कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान महाविद्यालय के नवा भर्ती विद्यार्थी मल्ला राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधान के संबंध में जानकारी देगी। शिक्षा नीति के तहत विद्यार्थी मंडल ले चुने जाए वाले विषय जेनेरिक इलेक्टिव के समूह और वैल्यू एडिशन कोर्स के समूह के व्याख्या करेगी। कार्यक्रम में विद्यार्थी मल्ला क्रेडिट कार्ड आधारित कोर्सेज सतत आंतरिक मूल्यांकन और आखिरी सेमेस्टर परीक्षा से संबंधित प्रावधान के बारे में समझाएगी। इस दौरान विद्यार्थी और पालक मन के शंका के समाधान घलो करेगी। कार्यक्रम के बाद खाद्य मंत्री हा परिसर में पौधा लगाई। उन्हें राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा बलौदा बाजार जिला के आने आले कॉलेज मन में होवैया दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। समारोह ला संबोधित कर श्री वर्मा कहीन कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में नवा शिक्षा नीति के सफलतापूर्वक संचालन करे जाते। उन्होंने कहीन कि नवा शिक्षा नीति में नौकरी के जगह स्वरोजगार ऊपर जोर दे गये। कार्यक्रम में उमनहा नवा प्रवेश कॉलेज छात्र छात्रा के तिलक लगा के स्वागत करी नव उत्कृष्ट छात्र छात्रा मनला प्रमाण पत्र देके सम्मानित करी। बीजापुर के भाजपा नेता अजय सिंहला पुलिस हा धमकी देके आरोप में गिरफ्तार करे है। जानबा के मुताबिक भैरमगढ़ निवासी एक मनखे और एक आने मामला में ठेकेदार हा पुलिस में अजय सिंह के खिलाफ जान ले मारे के धमकी दे और 15 लाख रूपया मांगे की शिकायत करे रही। ए आधार में पुलिस हा कार्यवाही करत हुए भाजपा नेता अजय सिंहला गिरफ्तार कर ले है। और वह पेश है मौसम के हाल। मौसम विभाग के मुताबिक अवैया 24 घंटा के दौरान प्रदेश में अधिकांश जगह में हल्का ले मध्यम वर्षा होने के आसार है। एक पूर्व पश्चिम द्रोणिका राजस्थान ले लेके उत्तरी उड़ीसा तक बने है। एकर असर ले प्रदेश में एक दो जगह में आकाशी बिजली गिरे और भारी वर्षा होने की संभावना है। इसी बीच राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग डहर ले आंकड़ा बनाएगी जेमा राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष डहर ले संकलित जानकारी के मुताबिक 1 जून 2024 ले अब तक राज्य में 670 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज करे जा चुके है। बीजापुर जिला में सबले जाता 1504 मिलीमीटर और सरगुजा जिला में सबले कम 309 मिलीमीटर वर्षा दर्ज करेगी है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घंव फेर। आयुष औषधि निर्माता विज्ञापनदाता विज्ञापन एजेंसी मल्ला भ्रामक विज्ञापन में रोक लगाए बर सर्वोच्च न्यायालय हा निर्देश जारी करे है। समता अभियान के तहत कोंडा गांव जिला के स्कूली लयिका मन हा नुक्कड़ नाटक और डांस के माध्यम ले साप्ताहिक बाजार में लोगन मल्ला करीन जागरूक और राज्यपाल हा प्रधानमंत्री केंद्रीय गृह मंत्री के संग सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ले करीन सौजन्य मुलाकात। एक रे संग छत्तीसगढ़ी बुलेटिन यही सिरावत है। जय जोहार।